हरदोई शहर में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का हुआ उद्घाटन, चिकित्सा के क्षेत्र में संवरेगा भविष्य। हरदोई शहर के मोहल्ला नबीपुरवा में दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर प्रीति वर्मा ने फीता काट कर किया। मुख्य अतिथि श्रीमती वर्मा ने कहा कि इस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के खुलने से बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हरदोई का प्रयास सराहनीय है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद अली ने बताया कि मेडिकल के क्षेत्र में पैरामेडिकल में कई सारे कोर्सेज हैं, जिसमें बच्चे अपना एजुकेशन प्राप्त करके नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की मुख्य ब्रांच दिल्ली में है और हरदोई ब्रांच का आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें पैरामेडिकल के 4 कोर्सेज हैं। इसमें डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट शामिल हैं। ये 4 कोर्स इंटरमीडिएट के बाद किए जा सकते हैं। ये सभी कोर्सेज NSDC से मान्यता प्राप्त हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शारिक परवेज, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर जावेद मलिक खान, डॉक्टर शबाना, डॉक्टर रजी अहमद खान, चुन्ना खान, आशुतोष वर्मा, विशाल गुप्ता सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। का उद्घाटन समारोह है और इसमें जो है विभिन्न जो बच्चे हैं उनको पैरामेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं। OT टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट हो गया, इस तरह के विभिन्न क्षेत्र हैं जिससे बच्चों का कैरियर जो है वो ग्रोथ होती है। और यहाँ पर बच्चे जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न पदों पर सृजित होकर अपना कैरियर बना सकते हैं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जो कवच प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो उस प्रोग्राम में मैं हिस्सा लेने आई हूँ। और यहाँ पर जितने भी बाल गृह हैं और संप्रेक्षण गृह हैं उनका निरीक्षण करके उनकी स्थिति का आकलन करना, और जो बच्चों की स्थिति है पूरे जनपद में एक समन्वय बैठक जो है वो सारे अधिकारियों के बीच में रखी गई है ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके और सुचारू रूप से काम चल सके। इसके लिए अधिकारियों की एक बैठक रखी गई है 1 बजे से। इसके बाद में जो है वो जो